ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। प्राण बचाने वाला, प्राण किसे कहते हैं? जिसको बचाने वाला प्राण, हम शक्ति को कहेंगे, ऊर्जा को कहेंगे, है ना, जिसके आधार पर ये शरीर चलता है, आत्मा को। अब आत्मा को बचाने का क्या मतलब था? आत्मा एनर्जी नेगेटिव में नष्ट हो रही थी, इतनी नष्ट हो गई कि तमो प्रधान बन गई। जो उसमें पावर्स थी वो पावर लेस हो गई, शक्तिहीन हो गई। इसलिए हमने गाना शुरू किया कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हमें आकर फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए, सातों गुणों से संपन्न बनाने के लिए बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाना, तो क्या करते हैं? ज्ञान की मीठी मुरली सुनाते हैं। ज्ञान की मुरली मतलब ज्ञान सुनाना, मुरली का मतलब है ज्ञान का भंडार या ज्ञान का हमें देना, सुनाना। मुरली मतलब भाषण करना, बताना, सुनाना। प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आया। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए, माया ने उड़ने के जो हमारे पंख काट दिए हैं, वो पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। जब पंख आते हैं तो याद आती है वो स्टोरी के परी के पंख काट दिए थे, किसी ने उसके पंख चुरा लिए थे और बाद में किसी ने मदद की और उसको पंख ढूंढ कर दिए और वो फिर उड़कर चली गई। तो मतलब बात यहाँ, वो कहानी चाहे कैसे भी लिखी हो उसने, परंतु यहाँ बाबा के पंख याद आते हैं तो वो कहानी मुझे घूमती है कि वे पंख देने और अपने साथ वापस ले जाने के लिए आए हैं। वो पंख कौन से हैं? उमंग और उत्साह, ज्ञान और योग। ज्ञान और योग से उमंग और उत्साह आता है। ये निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत चला, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन मुरली बजाते हैं? स्वयं परम पिता, परम आत्मा शिव, रोजाना आकर के पढ़ाते, कोई छुट्टी नहीं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो, तुम अभी ज्ञान सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। प्राणेश्वर का मतलब हम सबके प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर इस दुख से बचाओ, वो हद की मदद मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? हद की मदद। क्या हम ब्रह्मा कुमार मांग सकते हैं हद की मदद? बिल्कुल नहीं मांग सकते। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। बाबा आया है बेहद की मदद करने, क्योंकि बेहद का बाप है ना बाप। जानते आप, तुम जानते हो, आत्मा गुप्त है और बाप भी गुप्त है। जब बच्चों बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष। तो शरीर का बाप शरीरधारी, आत्मा का पिता परम आत्मा।
तो दो बाप हो गए। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है, तुम जानते हो बाप आया हुआ है, क्या करने? तुमको बेहद का वर्षा देने, तुमको बेहद का वर्षा देने, उनकी श्रीमत, उनकी है श्रीमत सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता मशहूर, सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया है। उस गीता में नाम किसका लिख दिया? कृष्ण का लिख दिया, देहधारी श्री कृष्ण का नाम, बच्चे का नाम लिख दिया। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानो वाच है ना, ये भी समझ गए। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्य नारायण की है, गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने या नर से नारायण बनने की है, नर से नारायण बनने की या क्या है, अमरपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। बाबा क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। बात एक ही है, ये है मृत्यु लोक, भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता, ये किसी को भी पता नहीं। यहां भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया, यहां भी बाबा केवल पार्वती को नहीं सुनाया, एक पार्वती या द्रौपदी नहीं, मतलब बाबा आए हो एक पार्वती को कथा सुनाने, या कृष्ण आया हो एक द्रौपदी की लाज बचाने, ऐसी बात नहीं है। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा सुनाते हैं इस ब्रह्मा के द्वारा, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता, बाप ने समझाया है बच्चों को। आत्म अभिमानी जरूर बनना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान, कितना वंडरफुल राज है कि पूरी दुनिया में कितना बड़ा संत, कितना बड़ा गुरु, कितना बड़ा आचार्य, कितना बड़ा विद्वान, कोई भी नहीं जानता कि आत्मा क्या, आत्मा का परिचय ही नहीं है उनको। घंटों वो आत्मा पर भाषण करेंगे, परमात्मा पर भाषण करेंगे, परंतु कमाल की बात है कि आत्मा का परिचय, तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, कैसे हो सकता है उनको ज्ञान? कह देते हैं आत्मा सो परम आत्मा, कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, सारी दुनिया कितनी भारी भूल में फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती, काम की है ही नहीं, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे, जानते हैं, डर भी लग रहा है कि मैं मिसाइल चलाऊंगा तो वो चलाएगा तो मुझे भी चलाने पड़ेंगे, वो चलाएगा मैं मर जाऊंगा, मैं चलाऊंगा वो मर जाएगा, अब बचाव का रास्ता ढूंढ रहे। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, 5000 साल पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे हुआ है। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, ड्रामा के बंधन में सब आत्माएं बंधी हुई हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है, अभी तुम बच्चे ही विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है, प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती, विपरीत बुद्धि कौरव विनश्यंती। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राज योग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया, शास्त्रों में क्या लिखा है कि संपूर्ण विनाश हो जाता है, परंतु वो विनाश उन्होंने
बहुत दूर किया, बहुत दूर। कैसे दूर किया है? काव्य नाश होता है उनके हिसाब से, आप हिसाब लगाएंगे। शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं, आप समझ जाएंगे कि एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन और रात, एक दिन और रात। अब कल्प के तो लाखों वर्ष हैं, वो आप जमा कर लेना, उसका डिटेल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 365 कल्प जब बीतेंगे तो ब्रह्मा का एक साल होगा, ठीक है। और सब सिंपल, मैं सिंपल सा बताया आपको ना, एक कल्प है रात और दिन, क्योंकि सत्ययुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, ठीक है। तो एक कल्प क्या हो गया? एक दिन। तो जो 360 कल्प बीतेंगे तो होगा ब्रह्मा का एक साल, तो 100 साल है ब्रह्मा की आयु। वो भी कहते हैं 100 साल है ब्रह्मा की आयु, शिव बाबा भी कहते हैं 100 साल है ब्रह्मा की आयु। तो उनके हिसाब से 100 काल मीन्स 360 के साथ 20 और लगा दो, 36,000 कल्प बीत जाएंगे तो ब्रह्मा मर जाएगा, फिर नया ब्रह्मा पैदा होगा। लाइन समझ रहे हैं? एक कल्प ही लाखों साल का है, ठीक है। अब उनको 36,000 से उसको और गुणा कर दो तो उतने समय के बाद एक ब्रह्मा मरता है, फिर पूरा विनाश होता है। इसके बीच में हर कल्प टेम्परेरी परिवर्तन होता रहता है, वो ये मानते हैं, ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए, हम जवाब दे सके उनको, यानी नहीं पता होगा तो हम जवाब नहीं दे सके। तो महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है, फिर तो परले हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर कोई मनुष्य ना रहे और सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, फिर पहला मनुष्य कहां से आएगा? नहीं, वे तो हो ना सके। परले हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? दिखाते हैं, कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आ गया, सागर में आया। अब बालक ऐसे आ कैसे सकता है? कहां से बच्चा पैदा हो गया? कहां बन गया? हवा में बन गया, अपने आप ही बन गया। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत, पुराणों में तो बेड़ा गर्क है, समझ में नहीं आता, ऐसा ऐसा लिख दिया है जो मतलब ये कौन से हमारे कल्पना करते हैं ना, लोटपोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गुड्डे गुड़िया है, जितने भी कार्टून बनाते हैं वो भी इतनी कल्पना नहीं कर सकते, मतलब उसके वो कल्पना भी कुछ नहीं है इतने। हाँ, मुंगेरी लड़के तो सपने हैं, मतलब हाँ, मतलब कहने के ये भी कल्पना नहीं कर सकते उतनी, मतलब ये भी कल्पना करते हैं कि कार्टून जो बनाते हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ रूही के साथ, देखनी पड़ती है, तो वो मतलब कमाल कर देते हैं, क्या क्या दिखा देंगे, क्या कर देंगे, मतलब वो तो क्या से क्या बना देते हैं, उन्होंने भी उससे भी आगे हो, तो पता नहीं ऐसा कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो कार्टून हमें पता है कि झूठ है, वो तो हाँ उसको तो सच मान के बैठे हुए हैं, हमने भी सच माना हुआ था। और वो भी सारे पूजा करेंगे उसकी, सिर हाथी का लगा दिया, मतलब कहीं से भी जोड़ने की बात मतलब ऐसी लिख दी है, कोई लिमिट हम स्वीकार करके बैठे थे। हाँ, हम तो पूजा करते थे, हमें पता ही नहीं था कि गणेश कैसे पैदा होता है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो, अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वान भीष्म पिताओं को, ये सारे भीष्म पितामह हैं, आदि को भी ज्ञान बाण लगने, वे भी आगे चलकर आएंगे, जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते जाएंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये मत सोचो कि विघ्न नहीं पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते, बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे,
तुम नहीं सिखला सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। ज्ञान और योग कौन सिखलाएंगे? बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि बाप को कोई सर्वव्यापी कह सकता है कि मेरा बाप सर्वव्यापी है? अरे भी आप आत्माओं का बाप है तो वो सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते। पारस और पारस का पत्थर, इन दोनों में क्या अंतर समझते? पत्थर, हम कोई अंतर नहीं समझते थे। पारस मीन्स सोना, पारसनाथ, पारस का पत्थर माना सोना बनाने वाला पत्थर, समझ गए? जिसको टच करते ही सोना बन जाता है। मतलब ऐसा पारस का पत्थर होता है या नहीं होता है ये तो किसी ने देखा नहीं है, ठीक है? परंतु पारस का जो पत्थर है ये जरूर है कि जो हमारे पास लोहे की जो ना नाल बकरियों को लगा देते हैं, ये जो हमने सुना है पढ़ा है जो कुछ, तो पहाड़ों पर वो चरते चरते कहीं वो टच करता है वो नाल सोने की हो जाती है। अब हो जाती है या नहीं हो जाती है ये हमें नहीं पता, जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ आज जो हमें राज समझ में आया, मेरे को जो समझ में आया कि मैं समझता था पारस माना पारस का पत्थर, पर तो पारस अलग चीज है, पारस का पत्थर अलग चीज है। पारस माना सोना, पारस का पत्थर मतलब सोना बनाने वाला पत्थर, अंतर मतलब पारस माना सोना है, मतलब ये हमें समझना है। पारस कोई और अलग चीज नहीं है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है पारस। तो समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनाते, हम क्या बनाते हैं? पारसनाथ, सबको स्वर्ण लायक सोने लायक बना देते हैं, स्वर्ण स्वर्णिम दुनिया के लायक बना देते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं परंतु वे कौन हैं, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे ज्वारात के मंदिर महल थे, कल की तो बात है। वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही, सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है और कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो बात है, आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण के चित्र पर क्या लिखा हुआ है, कल का भारत, उसमें दोनों बातें हैं। कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, अब नहीं है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सके, लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं योग में बैठो, योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। बाबा बैठ के समझाते ये ज्ञान हुआ ना, वो तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो माताएं तो ऐसे कर नहीं सकते, बैठ भी ना सको, कितने ढेर चित्र बनाए हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से बैठते हैं ना, स्कूल में स्टूडेंट कायदे से बैठते हैं ना, बाप ये भी नहीं कहते कि तुम कायदे से बैठो, जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ, कोई बात छुट्टी है। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो,
हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल, मतलब उस टाइम बाबा ने विशेष स्ट्रेचर और कुर्सी रखी हुई थी व्हील चेयर, या तो उसको व्हील चेयर पर लेके आओ, कमरे में नहीं रहे, उसको स्ट्रेचर पर उठा के ले यहाँ लिटा दो, यहाँ तो मरे, शिव बाबा की याद में तो मरे, कोई बात नहीं। मतलब ये गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले, वे तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में ये है ज्ञान अमृत की बातें, तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। मतलब बाबा की बातें आपकी बुद्धि में हो और आपके प्राण तन से निकले। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ जाते हो, परम धाम से आते हो ना तो मुझे छोड़ देते हो वहां पर, शिकायत कर रहे हैं बाबा है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम तो मुझे परम धाम छोड़ के आ जाते हो, परंतु मैं तो तुम सबको ले जाऊंगा, मैं आया ही हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है, माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि तमो प्रधान है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है? ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है, सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके, यहाँ किसकी भी सतो प्रधान अवस्था हो नहीं सकती। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं सकती, यहाँ ठहर नहीं सकती, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं, किस लिए? मुक्ति के लिए भक्ति करते ही हैं, मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारणा धारण करने के। बाबा क्यों समझा रहे हैं? ताकि बच्चे इनको अपने जीवन में धारण करें। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना, और क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना स्वदर्शन चक्र फिराना, अर्थात अपनी कमियों को देखना, और सतयुग के हम अधिकारी बनेंगे तब जब हम अपने जीवन से इन कमियों को निकाल देंगे। जब तक ये कमी नहीं निकलेगी हम सतयुग के लायक नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र में चलाना माना अपनी कमियों कमजोरियों का, जो मेरे शत्रु हैं, गला काटना, उनका गला काटना। हमने किसी मनुष्य आत्मा का गला नहीं काटना है। बीज को याद करना, बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। उस बीज को खाक होना होता है पेड़ बनाने के लिए, परंतु ये वंडरफुल बीज ये खाक नहीं होता, ये वंडरफुल बीज है ये खाक नहीं होता, ये खत्म ये चैतन्य बीज है, वो जड़ बीज खाक हो जाता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं रहता।
तो बीज है, तो यहां जो झाड़ होता है वो उस बीज से निकलता है, उस बीज से निकलता है, तो फिर तो अंश होना चाहिए ना। हम आत्माएं परमात्मा का अंश होना चाहिए ना, क्योंकि ये बीज समझने के लिए है, परंतु ये जड़ बीज की तरह नहीं है, क्योंकि यहीं से गलतियां होती हैं, क्योंकि दिमाग चलाने वाले बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो सिर्फ इसी लाइन को पकड़कर अंश की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि धर्म पिताएं आएंगे, जो भी गुरु गुसाई आएंगे, जब वो धारण करेंगे ज्ञान को, वो क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा, अब समझाने वाले बिखर गए ना, आज जो है मुरली समझाने वाले क्या हो गए, बिखर गए, आप बिखर गए, इतने बिखर गए कि हर एक अपनी अपनी रीति से मुरली समझा रहा है, तो हर एक अपनी रीति से समझा रहा है, तो धर्म पिताएं जब आएंगे वो अपनी रीति से समझाएंगे, उनको समझ ही अपनी रीति से आएगी, तो अपनी रीति से ही व्याख्या करेंगे, इसलिए वो फिर शास्त्र भक्ति मार्ग में आकर वैसे बने, क्योंकि वैसा ज्ञान लेके जाएंगे वैसे ही शास्त्र वो आकर बनाएंगे। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने, वो कहते हैं कल्प कौन सी कहां क्या कहते हैं इसको नदी को, कालीदेह, कालीदेह में कृष्ण कूदा तो वहां तक्षक सांप था और उसने जो है ना उसको डस लिया, ठीक है, तो वैसे उस सांप का नाम था कुछ और, तक्षक नहीं था, ठीक है, चलो जो भी याद आएगा तो बताएं, मतलब वो सांप जो है ना उस पर जहर डालता है जिससे जो है वो काले और काला हो जाता है, ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है, किसी सांप के काटने से नहीं, परंतु सांप ने ही काटा, वो सांप क्या है, बाबा कहते बच्चे ये देह है सांप और आत्मा है मणि, देह है सांप आत्मा है मणि, ठीक है, आत्मा को देखिए, देह को देखेंगे तो विकारों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देह है सांप, उसको देखते ही क्या पड़ता है, जहर का असर पड़ेगा, आज तक मणि भी किसी ने नहीं देखी, कहीं मिली नहीं है मणि, परंतु बहुत सालों लाखों सैकड़ों साल पुराना हो जाता है तब उसको मणि आती है, तो ना लाखों साल सौ साल का सांप होगा, तो मतलब इस प्रकार से वास्तव में ये बातें अब की हैं जो बाद वाले, क्योंकि बाबा ने लिख दिया कि देह सांप है आत्मा मणि है, अब वो कहीं ना कहीं कोई पड़ेगा और फिर अपना प्रचार करके जाएगा, फिर भक्ति मार्ग में आके उसी आधार पर शास्त्र लिखेगा। राम को भी काला दिखाते हैं, चलो कृष्ण तो काला हो गया सांप ने कहा, राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने डसा भाई, कुछ भी समझते, फिर भी जिनकी तकदीर में है, लक्ष्मण को गोरा दिखाते हैं, राम को काला दिखा नहीं, ये कृष्ण को काला दिखाते हैं, बलराम को गोरा दिखाते हैं, लक्ष्मण को भी गोरा दिखाते हैं, फिर भी जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे, निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझ, कभी भी नहीं समझेंगे, तकदीर में नहीं है तो तदबीर में क्या करेंगे, मेहनत क्या करेंगे, वो तकदीर में नहीं है तो फिर वो बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझे, क्लास में बैठे होंगे कान में सुन रहा होगा वो तो जैसे कि है ही नहीं, इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए, इतना भी उसको विश्वास, इतना विश्वास हो जाए तो मुरली पर टेंशन हो जाए उसका, बेहद का वर्षा देने जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे,
कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे, यहां भी ऐसे है, ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। वे फिर क्या आकर करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा की भी नौकर चाकर सब चाहिए। राजा के भी नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर चाहिए। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे चलकर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान घटेंगे कि बढ़ेंगे? बढ़ते जाएंगे। इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, जन्म कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी चाहिए। झाड़ की वृद्धि तो होनी चाहिए, होनी ही है, पर झाड़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो, पूरी आत्माएं तो नीचे आएंगी। वो कहते हैं जन्म कम हो का मतलब क्या है? बच्चे पैदा ना हो। जन्म कम हो का मतलब कि और बच्चे कम पैदा करो, ना पैदा करो तो अच्छा है, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जो ऊपर आत्माएं बैठी हैं वो तो आएंगी आएंगी, उन्होंने तो एक्यूरेट टाइम पर आना ही आना। परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी है, जब तक बाप है तब तक सब धर्म आत्माओं को यहां आना ही, सर्व धर्म आत्माओं को यहां आना ही। जब जाने का समय होगा तब आत्माएं, आत्माओं को आना बंद हो जाएगा। कितना टाइम पहले बंद हो जाएगा? अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते? कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है तब तो भगवान की रक्षा करने के लिए आते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत, राम राज्य है सतयुग आदि। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब ये नरक है, नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है ना। यहां तब क्या था, यहां तब क्या था? जैसे कोई स्वर्गवासी हुआ, कहते हैं ना कोई मर गया स्वर्गवासी हुआ, अच्छा अच्छा नाम है। यहां तब क्या था जब वो स्वर्गवासी हुआ था? जरूर नर्कवासी था। ये भी समझते नहीं कि हम नर्कवासी हैं। अब तुम समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हैं, वे सब है भक्ति मार्ग की सीता, वे सब हैं भक्ति मार्ग की सीता।
बाप ही राम, बाप है राम, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो। तीसरा नेत्र मिलते ही तुम क्या हो गए? अलग दुनिया के हो गए हो। बाप समझाते हैं, अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते, सर्विस किसकी करते हो? सर्विस भी अपनी करते हो। सिर्फ एक बात याद रखो, कौन सी बात याद रखे हम? एक बाप को याद, एक बाप की श्रीमत पर चलो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ना सके, और रास्ते तो बताएंगे तो चलेंगे ना, और कोई रास्ता बता भी नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, सब का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन लगना। उनको इंजेक्शन तो चाहिए ना। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में अभी हमने हम हमें तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। मुख्य धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद करनी है, एक बाप को याद करना। नंबर दो, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट हो। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति माना बाबा की श्रीमत हमेशा हमारी बुद्धि में रहे। कोई भी मिले तो
ग्रंथ उसे ज्ञान सुनाना है। वरदान कैसे मिलेगा? जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वो सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना दे। तो कोई भी कार्य मुश्किल कार्य हो उसको क्या बना देगी? सहज बना दे। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं डबल लाइट। अपना कभी भी तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं क्या बन जाओ? डबल लाइट। हाँ, बाबा का शरीर तो कैसे दे रहे भाई, ये तो मुसीबत है। अपना बोझ बाबा को कैसे दे? ठीक है, अब कोई भी समस्या आई है हमने उसके लिए गूगल में डाल दिया। ठीक, गूगल में डालेंगे ना समस्या का हल बताने के लिए, या कोई और तरीका है? बाबा की श्रीमत है समस्या का हल बताने के। तो बाबा के पास बैठने का मतलब बाबा से प्राप्त ज्ञान को स्मृति में रख, उस समय याद करना बाबा के साथ, तो उसमें लिखना है। बोझ बाबा बोझ लेने, बोझ कैसे लेता है कि मेरी श्रीमत पर। जैसे क्या होता है कि आपका बच्चा आया, पहले तो आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा था, अपनी मन मर्जी करता रहा। आपने कहा बेटे ऐसे मत करो, नहीं कर रहा हूं, मानता नहीं। जब वो फंस गया कहता है अच्छा अब जैसे आप कहो मैं वैसे करूं। ये है बोझ देना, है नहीं? अब जैसे आप कहेंगे वो वैसे करेगा। बोझ देने जाएंगे वो कहता है मेरी डायरेक्शन है ना, करो मेरी डायरेक्शन पर करो। बाबा की डायरेक्शन पर करना माना बोझ आत्मा से हल्का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बाबा लेता है, वरना तो ज्यादा मर जाए बहुत बुरी तरह से। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्ट स्लोगन है कि किसी भी कारण से कोई भी कारण को दूर करना है तो संतुष्ट रहने और उन्हें संतुष्ट करने में, इस किसी भी कारण को निवारण कर संतुष्ट रहने, कोई भी कारण है हमने उसको क्या करना है? दूर करना है, सॉल्यूशन देना है, और करने वाले ही संतुष्ट होंगे। और कोई भी कारण है उसको हमने बाबा की श्रीमत पर क्या कर देना है? हल कर देना। यदि हमने बाबा की श्रीमत पर हल कर दिया तो हम क्या हो गए? संतुष्ट मणि, क्योंकि खुद भी संतुष्ट और दूसरों को भी क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। आज है मम्मा की क्लास, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बोला मम्मा को ज्ञान के कंसेप्ट देखो कैसे क्लियर है, इसको समझना है। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बता रही, ज्ञान और योग। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को। योग की डेफिनेशन क्या है? आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। योग की जो डेफिनेशन है, पहली फर्स्ट डेफिनेशन, टॉप मोस्ट डेफिनेशन ये है।
आगे बहुत सारी डेफिनेशन बना दी, परंतु इस डेफिनेशन को बताते हुए भी ना बताते हुए भी इग्नोर करते, क्योंकि ना तो वो आत्मा का परिचय देते ना परमात्मा का परिचय देते। इसी बात को मम्मा यहाँ बता रही है, परमात्मा की याद को और कोई की याद के संबंध में योग नहीं कहते। योग और किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए योग नहीं कहते। तो संबंध जोड़ने का मतलब क्या होता है? हमारा किसी के साथ संबंध है, कब तक है संबंध? जब तक मैं उसका कहना मान रहा हूं, जब तक वो आपका कहना मान रहा है, ठीक नहीं? तो श्रीमत बाबा की है, हम बाबा का कहना मान रहे हैं, तो हमारा योग बाबा के साथ, ठीक नहीं? वास्तव में योग दुनिया वाला भी होता है, पर तू मम्मा यहां कहती है योग शब्द जो है ना वहां प्रयोग नहीं करते। कहना तो मानते हैं परंतु योग वहां शब्द प्रयोग नहीं करते। योग का प्रयोग बाप के लिए ही होता है, वो भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं। वो दुनिया वाले भी योग सिखलाते हैं तो वो भी परमात्मा की तरफ ही योग लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय ही नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि या सफलता नहीं मिलती, पूरी सफलता नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल हैं, दोनों शक्तियां हैं। जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट, ज्ञान और योग दोनों का पर पुरुषार्थ करो तो आपको ताकत मिलेगी। और हम विकर्मा जीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते। सतयुगी जीवन विकर्मा जीत जीवन होता है, विकर्मों पर जीत यही पाते हैं, सतयुग में जाकर के नहीं। सतयुग में तो नया शरीर मिलेगा, योग अक्षर तो सभी कहते हैं, पर तो जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय तो चाहिए। अब ये परमात्मा का परिचय भी, परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है, और कोई परिचय दे ना सके। उस परिचय से, योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट कर्मों का बोझा भस्म करते हैं, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है। अब तो जो गलती होनी थी वो हो गई। अब तो जीवन की जड़ है संस्कार। जीवन की जड़ क्या है? संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है। आत्मा किससे बनी है? अनादि संस्कारों से बनी हुई है, क्योंकि संस्कार आत्मा में पहले से ही फीड हैं। आप कहीं फीड नहीं किए, जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, संस्कार तो उसमें है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदल जाते। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीज मिलती, ये दोनों चीज मिलती। क्या कहते हैं बाबा? योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है। जितना ज्ञान होगा, जितना योग बनेंगे, श्रेष्ठता आएगी। जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीज मिलती हैं परमात्मा से, चाहे ज्ञान हो तो चाहे योग की पहचान। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से
प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो, आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म ना बने, तो इन कर्मों के लिए इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं। तो बल देगा तो हम लेंगे, जिसको बल देगा वो लेंगे, बिना मेहनत के कोई आत्मा नहीं ले सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म विकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत हुई है। हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा ये योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही मिलता है। अब हमको अपनी जीवन की जड़ संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख। हमारे जीवन की जड़ है संस्कार। जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।